देखिए इस कार्यक्रम पर लगातार एबीसी न्यूज की नजर बनी हुई है। मिनट टू मिनट का कार्यक्रम हम आपको बता रहे हैं। वहीं आपको बता दें क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है और विपक्ष सक्रिय हो चुका है। विपक्ष ने काले झंडे दिखाने की कोशिश की, वहीं उन्हें नजरबंद कर दिया गया है। अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद किया गया है जो कि सपा से विधायक है, अरुणनगर क्षेत्र से विधायक है, और करिश्मा ठाकुर जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी रह चुकी है विधानसभा चुनावों में, उनको भी नजरबंद किया गया है। वहां पर हमारे संवाददाता आशीष साहू जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आशीष, विपक्ष लगातार हर बार जब भी कोई दौरा होता है सीएम का या कोई भी पक्ष की पार्टी के नेताओं का, तो काले झंडे लेकर तैयार होती है, क्या जानकारी देंगे? जी, आपको बता दें कि कानपुर में कांग्रेसी नेता करिश्मा ठाकुर अक्सर रहती है, ये दो काले झंडे दिखा रहे करिश्मा ठाकुर अक्सर चर्चा में रहती है। अगर हम बात करें आरनगर विधानसभा विधायक अमिताभ वाजपेयी के, तो उनको घर पर नजर बंद कर दिया गया। विपक्ष का कहना है कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं विपक्ष के नेताओं का काम होता है जो जनता की बात उन तक पहुंचाई जाए, लेकिन जो नेता है अधिकारी है वो विधायकों को और जो विपक्ष के नेता है उनको नजर बंद कर दिया जाता है ताकि मुख्यमंत्री तक उनकी बात ना पहुंच सके। जी, तो कब से इनको नजरबंद किया गया है, कितने बजे से और कब तक इनको नजरबंद रखा जाएगा? साथ ही क्या कुछ आपकी बातचीत हो पाई कि उनका क्या कुछ कहना है कि मुख्यमंत्री का आगमन होता है उन्हें नजरबंद कर दिया जाता है? जी, आपको बता दें कि करिश्मा ठाकुर को कल देर शाम ही नजरबंद पुलिस ने कर दिया था। लगातार उनके घर पुलिस आ रही थी, हालांकि करिश्मा ठाकुर अभी अपने घर पे नहीं है। अमिताभ वाजपेयी विधायक से मेरी जब बात हुई तो उनके घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया। अमिताभ वाजपेयी का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहे जितनी पुलिस पहरा लगा ले, लेकिन हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जाएंगे और जनता की बात कहेंगे। सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो बाबू के साथ आत्महत्या मामला था उसमें भी अभी तक बीजेपी नेता फरार है और पुलिस अभी तक उनको पकड़ नहीं पाई, चाहे वो पार्क की बात हो और चाहे वो कंपनी बाग में बने पुल की बात हो कि सरकार जगह 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 पुल बनवा रही है और पैसा बेच कर रही, लेकिन कानपुर शहर वासियों को अभी भी पूरी मिल पा रही है ना जान से निजात मिल पा रहा है। जी जी बिल्कुल, आशीष लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ। विजय भी जुड़े हुए हैं किदवई नगर से, जहां पर पहले सबसे पहले कार्यक्रम है। विजय, 40 मिनट का ये संबोधन होने वाला है, उम्मीद जताई जा रही है कि संबोधन इस 40 मिनट के संबोधन से सीएम योगी आदित्यनाथ 2024 की एक राह तैयार करेंगे कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए। विजय, आप सुन पा रहे हैं? हमारे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं। विवेक, जेके टेंपल में एक कार्यक्रम है, हालांकि अभी उस कार्यक्रम के लिए समय है तो हम देख रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। आपने महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश की, उनमें कितना उत्साह देखा गया? देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कब शहर आना हो रहा है, एक बड़े राष्ट्रीय इंटरकॉलेज में एक बड़े संबोधन के बाद वो सीधे तौर पर जेके मंदिर आएंगे और यहाँ पर लगभग सहायता सेवा समूह की जो महिलाएं हैं लगभग 4000 महिलाएं उनको सम्मानित करेंगी। महिलाओं का लगभग जेके मंदिर प्रांगण में आना शुरू हो चुका है और एक अलग उत्साह उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूबे के मुखिया की ओर से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। अब तक समाज हित के वो जो काम करती आई है उसका फल, उसका परिणाम उनको आज मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं से ये जो एक जो सरकार की ओर से जो एक कदम उठाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं से महिलाओं के लिए को बहुत एक उत्साह देने वाला है। उनके अंदर ये उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से आज उनका सम्मान होने जा रहा है, भारी संख्या में जो लाभार्थी महिलाएं है उनका यहाँ पर आना शुरू हो चुका है। हम देख सकते हैं कि ये जो प्रांगण है यहाँ पर कुर्सियां लगातार पड़ी हुई हैं और यहाँ पर जो ये महिलाएं हैं वो बैठी हुई हैं। इनको बुलाया गया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरफ से बुलाया गया है। लगातार मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर कई दिनों से तैयारियां शुरू की जा रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो बैटरी रिक्शाओं के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे, जो इस कार्यक्रम को लेकर जागरूकता फैलाने का काम कर रहे थे। लोगों को हल्दी और चावल देकर उनको इस कार्यक्रम में आने का आमंत्रण दिया जा रहा था। उसका परिणाम आज देखने को मिल रहा है कि लगभग 2:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आना है। बिल्कुल, अभी से पूरा जो यहाँ का जो प्रांगण है वो भरा हुआ दिख। जी विवेक, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके पास जो बल है उसमें आधा योगदान आधी आबादी का है, यानी महिलाओं का है, तो चाहे 2014 से हम देखते हुए आए मुख्यमंत्री
प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं को साधने की कोशिश करते रहे हैं, और जब आज मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश में, भले ही कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का कार्यक्रम हो, लेकिन इसी तरीके से क्षेत्रों में क्षेत्र मिला मिला करके वो आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रहे हैं। सिलाई मशीन का वितरण भले ही निजी कार्यक्रम हो, लेकिन इससे एक बड़ा संदेश महिलाओं की तरफ जाएगा।